ये कहानी उस समाज की है जहाँ बहू की खुशी, उसकी सोच और उसकी समझ को कोई नहीं सुनना चाहता। कहानी राधा की है जिसकी शादी के 2 साल बाद ही उसके पति की मौत हो जाती है। और फिर देखिए बहन जी, राधा को हम राकेश के लिए लेकर आए थे। राधा से हम लोगों को कोई शिकायत भी नहीं है। अच्छी लड़की है, समझदार भी है। हम चाहते हैं कि उसकी शादी हमारे छोटे बेटे राहुल से हो जाए। ये तो बहुत अच्छा सोचा आपने। वैसे भी शादी होकर इसी घर में आई थी, अब तो यही है उसका जो भी है। तभी राधा सभी की बात सुन रही होती है। राधा को पता होता है कि राहुल मीरा से प्यार करता है, दोनों ने शादी का प्लान बनाया है। राहुल ने ये बात भी पूरे घर में सिर्फ राधा से ही शेयर की थी। भाभी, ये लोग क्या बात कर रहे हैं? आपको मैंने हमेशा बड़ी भाभी की तरह देखा है। मैं जानती हूँ राहुल, और वैसे भी मैं राकेश से प्यार करती हूँ। वो नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी और से शादी कर लूँ। तभी राधा की माँ उसे आवाज देती है। राधा, जरा आना बेटा। देख, भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। तेरे जीवन में जहाँ एक और अंधेरा आया, वहीं दूसरी तरफ तेरी सासू ने तुझे राहुल की बीवी बनाकर उसके घर की बहू बनाए रखने का फैसला लिया है। लेकिन माँ, मैं ये शादी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि राहुल मीरा से प्यार करता है और उसी के साथ रहेगा। वैसे भी माँ, वो मेरा देवर है, मैं देवर से शादी कैसे कर सकती हूँ? लेकिन बेटा, इतना लंबा जीवन तू अकेले कैसे निकालेगी? कैसे तू अपनी जिंदगी जिएगी? कल को तेरा कौन होगा बेटा? तभी राहुल आ जाता है। मैं भाभी की जिम्मेदारी लेता हूँ, मीरा भी भाभी को बहुत मानती है। नहीं नहीं, अगर इससे शादी नहीं करनी तो मैं इसे घर में नहीं बिठाने वाली। लेकर जाए इसे। अरे विधवा बहू को घर में रखकर मैंने क्या अपने कल को खराब करना है? ऐसे ना कहे संतन जी, हम लेकर जा रहे हैं हमारी बेटी को। उसे शादी नहीं करनी तो मैं इसे जबरदस्ती कराऊंगा भी नहीं। ये बोलकर वो राधा का हाथ पकड़कर उसे लिए जा रहे होते हैं कि राहुल खड़ा होता है। मैं भाभी को कहीं नहीं जाने दूंगा। तभी मीरा के पिता मीरा का रिश्ता लेकर राहुल के घर आते हैं। मीरा के पिता के सामने सारी बात हो जाती है। राधा की माँ और पिताजी भी वहीं होते हैं। मेरी बेटी राधा की बहुत तारीफ करती है। मैं तो यही कहूँगा कि जिठानी के रूप में राधा उसके साथ रहेगी तो वो और भी खुश रहेगी। खैर, मीरा भी उस घर की बहू बनकर आ जाती है। मीरा को शादी के पहले की सारी बात पता चलती है तो, दीदी, आपने मेरी और राहुल की शादी कराकर सच्ची बहुत बड़ा एहसान किया है, वरना माँ पिता के सामने बोलना बहुत बड़ी बात होती है। अरे, राहुल ने भी सभी के सामने मेरी जिम्मेदारी ली। बिल्कुल इनके भाई होने का फर्ज निभाया। आज भले ही राकेश नहीं है, लेकिन राहुल से जो उन्हें उम्मीद थी उसने वो पूरी की है। दिन बीतते जाते हैं। मीरा को एक प्यारी सी बच्ची होती है और राहुल और मीरा उसमें व्यस्त हो जाते हैं। सास भी राधा को आए दिन सुनाती रहती, लेकिन एक बार तो, राधा, बच्ची को कहाँ ले जा रही है? जी, वो मैं इसे पार्क में ले जा रही हूँ माँ जी, मीरा किचन का काम कर रही है तो सोचा। अरे ज्यादा सास बनने की कोशिश ना कर। और तू क्यों लेके जाएगी? हैं, मेरी पोती है, तू जा किचन में काम कर। राधा बेचारी क्या करती, सास के सामने क्या जुबान चलाती। ना चाहते हुए भी मुन्नी को छोड़कर वो अंदर रसोई में चली जाती है। लेकिन सास को राधा का चेहरा अब घर में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। एक रोज सास मीरा के कमरे में जाती है। मीरा, देख माना, राधा घर की बड़ी बहू है लेकिन पति तो है नहीं इसका। अब ये समझ के तेरी सारी जायदाद के पूरे 2 हिस्से होंगे। मेरा बेटा होता या फिर उसकी कोई औलाद होती तो मैं एक हिस्सा दे भी देती, लेकिन माँ जी, राधा दीदी के लिए मुझे मेरा हिस्सा भी छोड़ना पड़े तो मैं दे दूंगी। आय हाय, बोलने में अच्छा लगता है क्योंकि तू जॉइंट फैमिली से है ना, पर तू नहीं जानती इस राधा को। अरे कल मुन्नी को कहीं लेकर जा रही थी, वो तो शुक्र है कि मैंने रोक लिया। नहीं दीदी, उसे लेकर कहीं नहीं जाती क्योंकि मुन्नी अभी छोटी है। सास हमेशा कोई ना कोई कोशिश करके मीरा के दिल में राधा के लिए नफरत भरती रहती। फिर एक दिन आ ही जाता है जब मीरा, दीदी, आपके ना कोई आगे है ना पीछे,
फिर क्या करेंगी? इस घर का आधा हिस्सा पूरा राहुल के नाम क्यों नहीं कर देती? राधा को अजीब लगता है कि मीरा ये क्या बोल रही है। राधा चुप हो जाती है। हाँ हाँ, क्यों रे, क्या सोच रही है राधा? क्या गलत बोली मीरा? वैसे भी बोझ की तरह ही तो है तू। तेरे माँ बाप को कहा था राहुल से शादी कर दो, तब तो तूने बड़ी मीरा की साइड ली थी। आज वही मीरा कुछ कह रही है तो। कोई बात नहीं, वैसे माँ जी कौन सा लड़का दिखा रही थी आप दीदी के लिए? हाँ भाई हाँ, राधा तेरे माँ बाप तो राहुल के भरोसे छोड़ गए, लेकिन हम तो ऐसे बैठ नहीं सकते ना। कल को राहुल की बच्ची बड़ी हो रही है। सास एक लड़के का फोटो रख देती है जो उम्र में काफी बड़ा, काला, मोटा और शराबी जैसा लगता है। देख, ये लड़का तैयार है राधा से शादी करने को। राधा बिना फोटो देखे ही, नहीं माँ जी, मैं शादी नहीं कर सकती हूँ। मैं शादी कैसे करूँ? मैं तो राकेश से प्यार करती हूँ। लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं है। एक बार शादी क्या कर ली आपने, आप तो हम लोगों के सर का बोझ ही बन गई। लाइए माँ जी, देखने दीजिए लड़का कैसा है। अरे कैसा क्या, मैंने देखा है, क्या जरूरी है कि पूरा घर देखे? कल जब तुम मायके जाएगी और मैं और राधा अकेले होंगे घर पर, तो मैं उसे राधा को दिखा दूंगी। तू बस राहुल को मना ले। उनको क्या मनाना, शादी की डेट फाइनल कर दीजिए, कल दीदी को मिलवा दीजिए लड़के से, और इनसे पूछने की भी कोई जरूरत नहीं है। अगले रोज जब घर पर कोई नहीं होता तो राधा को वो लड़का सास दिखा देती है। अगले रोज, भाभी माँ ने कहा कि लड़का आपको ठीक लगा, तो आप शादी के लिए तैयार हैं? अरे हाँ हाँ, तैयार है, लेकिन ये इनके हाथ में क्या है? ये प्रॉपर्टी के पेपर है, मैंने अपना भाग भी राहुल के नाम कर दिया है, और कल की शादी के लिए भी मैं तैयार हूँ। अगले रोज बारात आती है, लेकिन जैसे ही दूल्हा सामने आता है, अरे ये कौन है? ये तो वो सुमन के पापा है जो हमारे ऑफिस में काम करते हैं। इनका तो परिवार है, बड़े बड़े बच्चे हैं। भाभी के पिता की उम्र का है और ये शराब भी बहुत पीता है, रोज सबको मारता है। लेकिन ये शादी, भाभी इनसे शादी करने को कैसे मान गई? अरे बेटा, आप सभी को पति का घर चाहिए होता है, हो सकता है कि वो भी काफी दिन से चाह रही हो। लेकिन तभी मीरा आ जाती है। भाभी कमरे में नहीं है, वो ये चिट्ठी छोड़कर गई है कहीं। राहुल चिट्ठी खोलता है जिसमें लिखा होता है, राहुल, मैंने हमेशा तुम्हें भाई की तरह देखा, लेकिन तुमने मुझे कब बोझ और प्रॉपर्टी का हिस्सेदार समझ लिया पता ही नहीं चला। मैं जा रही हूँ पूरी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम करके। मैं राकेश से प्यार करती हूँ, ये घर मुझे उनकी याद दिलाता था, तभी मैं इसे छोड़ नहीं पा रही थी। लेकिन आज, राहुल लेटर पढ़कर जोर जोर से रोने लगता है। कोई मेरी भाभी को ले आओ, ये सब कैसे हो गया? मुझे तो कहा गया था कि भाभी शादी के लिए तैयार है। मीरा जीवन में पहली बार पति को रोता देख रही थी, वो भी खुद के कारण। अपनी बहू और बेटे के बिगड़े हुए रिश्ते को देखकर गीता अपनी बहू स्वाति के कमरे में जाती है और कहती है, बहू, तुझे नहीं लगता कि अब तुझे और प्रतीक को अपना रिश्ता आगे बढ़ाना चाहिए? माँ जी, आप मुझे क्या बोल रही हो? आपने अपने बेटे को देखा है? आज तक कभी भी उन्होंने मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं की, और आप रिश्ता आगे बढ़ाने की बात कर रही हो। बहू, तू तो समझदारी से काम ले, खुद को आगे रखने की जिद तुम दोनों के रिश्ते को कहीं पीछे ना छोड़ दे। देखो, तुम दोनों की शादी को इतने साल हो गए, पर तुम दोनों को अभी तक एक बच्चा भी नहीं हुआ। माँ जी, अब बच्चे की बात ही क्यों कर रही हो? यहाँ हमारा रिश्ता ही आगे नहीं बढ़ रहा, और शायद कभी आगे बढ़ भी नहीं पाएगा। बहू, मैं बस तुम दोनों को खुश देखना चाहती हूँ। माँ जी, मैं अपना सम्मान घटाकर अगर खुश रहने की कोशिश भी करूँ ना, तो यहाँ रह नहीं सकती। और अगर आप ज्यादा प्रेशर बनाएंगी तो कहीं ऐसा ना हो कि सास और बहू के रिश्ते के बीच में दरार आ जाए। बहू, तुम दोनों अकेले हो और तुम दोनों की कमी को तुम दोनों ही पूरा कर सकते हो, बस इसीलिए मैं बोल रही हूँ क्यों। लेकिन माँ जी, मैं आपकी बात को काटना नहीं चाहती, लेकिन आपने मुझे मजबूर कर दिया है। रिश्ता एक तरफ से नहीं बल्कि दोनों तरफ से चलता है, इसलिए आप उम्मीद लगाना छोड़ दो। स्वाति इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय गुजरता है और समय के साथ स्वाति के देवर की शादी प्रीति नाम की एक लड़की से हो जाती है।
प्रीति अपने ससुराल में पूरी तरह से ढल चुकी थी, पर कुछ ही समय बाद वो देखती है कि उसके जेठ और जेठानी के बीच में कुछ दूरियां हैं। ये सब देखकर प्रीति को ज़रा भी अच्छा नहीं लगता। ऐसे ही एक दिन प्रीति अपनी जेठानी के पास जाती है और जेठानी से कहती है, दीदी आपके और जीर्जी के बीच में तो काफ़ी ज़्यादा प्यार लगता है। वैसे दीदी आपकी और जीर्जी की शादी की सालगिरह कब है? प्यार? क्या प्रीति, तुम भी ना काफ़ी अच्छा मजाक कर लेती हो। हम दोनों में प्यार तो क्या, दोस्ती भी नहीं है। और शादी की सालगिरह शायद अगस्त में है, नहीं शायद 5 सितंबर को है। दीदी आपको इतना भी याद नहीं कि आपकी सालगिरह कब है? मुझे तो सब याद रहता है। मुझे तो ये तक याद है कि हम दोनों ने पहली बार फ़ोन पे बात कब की थी। उस दिन को क्या याद करना जिस दिन से दुखी दुख है। तुम्हारे जेठ जी मेरी किसी पसंद का ख्याल नहीं रखते। ख्याल तो छोड़ो, वो मुझसे ठीक से बात तक नहीं करते। ये सब सुनकर प्रीति के मन में एक ख्याल आता है। अगर ऐसा है दीदी तो मैं आप दोनों के बीच की दूरियों को ख़त्म करूँगी। प्रीति अब अपनी जेठानी को बिना कुछ बोले वहाँ से चुपचाप चली जाती है। ऐसे ही एक दिन प्रीति बाजारों से फूलों का गजरा लेकर आती है और स्वाति के कमरे में ले जाकर रख देती है और वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद स्वाति जब वहाँ आती है तो अपने कमरे में फूलों का गुलदस्ता दिखती है और इसे देखकर स्वाति प्रीति को आवाज़ लगाकर बुलाती है। प्रीति सुनो, ज़रा इधर आना एक बार। जी दीदी बोलो, क्या हुआ? इन फूलों को तुमने मेरे कमरे में रखा है? नहीं तो दीदी, मैं तो आई भी नहीं, लेकिन हाँ मैंने जेठ जी को देखा था ये फूल छुपा कर लाते हुए। मैं मान ही नहीं सकती कि प्रतीक ये फूलों को लेकर आए होंगे। दीदी आप मानो या ना मानो, लेकिन मैंने तो जेठ जी को देखा था ये गजरा लाते हुए। क्या सच में प्रतीक मेरी पसंद नापसंद का ख्याल रखते हैं? शायद प्रीति सही बोल रही है, क्या पता वही लेकर आए हो मेरे लिए ये फूल। दीदी किस सोच में पड़ गई? ये देखकर तो साफ पता चल रहा है कि जेठ जी को आपसे कितना प्यार है। वो बस जताते नहीं, जेठ जी ने आपको सरप्राइज़ दिया। वैसे आपको भी उन्हें एक सरप्राइज़ देना चाहिए। तुम सही कह रही हो प्रीति, पर इसमें तुम्हें मेरा साथ देना होगा। हाँ हाँ दीदी क्यों नहीं, मैं तो हमेशा आपके साथ हूँ। प्रीति अब अपने जेठ को फ़ोन करती है और फ़ोन करके कहती है, जेठ जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, बुखार सा लग रहा है और चक्कर भी आ रहे हैं। अगर आप बटर नान और चाप ले आते तो मुझे कुछ आराम मिल जाता। अरे घर में और भी तो लोग हैं, उन्हें बोल दो तुम। दीदी से मेरी लड़ाई हो गई है, माँ को मैं परेशान करना नहीं चाहती, और आप बाहर भी थे तो बस मैंने आपको फ़ोन किया। चलो कोई ना, मैं ले आऊँगा आते वक्त, तुम खाने की चिंता मत करो और आराम करो। ये मुझे फ़ोन करके क्यों बोल रही है, खैर कोई ना। वैसे जेठ जी आप कितने बजे तक घर आएंगे? मैं 9 बजे तक आ ही जाऊँगा। ठीक है चलो अब फ़ोन रखो और आराम करो तुम, मुझे ऑफिस में बहुत काम है। प्रतीक घर पहुँचता है और प्रीति को आवाज़ देता है। प्रीति अपने कमरे से बाहर निकलते हुए कहती है, आ गए आप जेठ जी, माफ़ कीजिए मैं आपको बताना ही भूल गई कि हम सब ने तो खाना खा लिया है। तो तुम्हें बताना तो चाहिए था एक बार। सबने खिचड़ी बनाने को बोला और वो जल्दी और आसानी से बन जाती है, तो मैंने खिचड़ी बना ली, लेकिन दीदी को खिचड़ी पसंद नहीं थी ना तो उन्होंने नहीं खाई। अब कमरे में चली ना, मैं प्लेट लेकर आती हूँ, आप दोनों खा लीजिए। प्रतीक प्रीति की बात सुनकर कमरे में चला जाता है। प्रतीक के हाथ में खाने का थैला देखकर स्वाति कहती है, ये आपके हाथ में क्या है? चाप और बटर नान, तुम्हें भी काफ़ी पसंद है ना? अरे वाह, आपको कब से मेरी पसंद याद रहने लग गई। वैसे सोचा तो मैंने भी था कि आपकी पसंद की खीर बनाओ, ड्राई फ्रूट्स वाली, आपको पसंद है ना? ये बात तो मुझे भी कुछ हजम नहीं हो रही है कि तुम मेरी पसंद नापसंद के बारे में कैसे जानती हो। भले ही हमारे बीच पति पत्नी जैसा रिश्ता नहीं है, लेकिन हमें एक साथ इतने साल हो गए और हूँ तो आखिर मैं आपकी पत्नी ही ना, तो आपकी पसंद नापसंद कैसे पता नहीं होगी। स्वाति और प्रतीक के बीच काफ़ी अच्छे से बात होने लगती है कि तभी वहाँ प्रीति प्लेट लेकर आती है और कहती है, देखा दीदी जेठ जी को आपकी पसंद का कितना ख्याल रहता है, आपकी पसंद के चाप और बटर नान लाए हैं। वैसे जेठ जी, जेठानी जी भी आपके लिए खीर बनाने रसोई में गई थी। गई थी तो बनाई क्यों नहीं?
प्यार जब दोनों करते हो तो बताते क्यों नहीं? आज जेठ जी ने अपनी समझदारी और प्यार दिखाया, कल दीदी खीर बनाकर अपनी समझदारी और प्यार दिखा देंगी। प्रीति की ये बात सुनकर प्रतीक और स्वाति दोनों को ही समझ में आ रहा था कि प्रीति उन दोनों के लिए क्या कर रही है। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन प्रीति अपनी सास से कहती है, माँ जी, हमने मिलकर जेठ जी और जेठानी जी के रिश्ते में काफ़ी सुधार तो कर दिए, लेकिन अब एक आखिरी चीज़ और बची है जो करनी है। आखिरी चीज़? वो क्या बची है? माँ जी, जेठ जी और जेठानी जी के रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए अब हमें उन्हें अकेले में कुछ समय देना होगा। अरे बहू, आप तक जो कहा वो सब करते गए, लेकिन अकेले में समय वो दोनों मानेंगे कैसे? अब तक जो भी हो रहा था उन्हें पता नहीं था और वो थोड़े थोड़े करके करीब आ गए, लेकिन अब ये कैसे? माँ जी, आप उसकी चिंता मत करो, मैं सब संभालूंगी। प्रीति अपनी जेठानी और जेठ को बुलाकर कहती है, मैंने और माँ जी ने फैमिली पिकनिक का प्लान बनाया है, वो भी एक दो दिन के लिए, तो आप दोनों भी अपने अपने कपड़े बांध लीजिए। प्रीति, प्लान बना लिया, कम से कम तुम हमसे पूछ तो लेती। मुझे नहीं पूछना है कुछ, और प्लीज़ जाओ ना, अपना अपना सामान पैक करो ना, आप दोनों के लिए बाहर गाड़ी इंतज़ार कर रही है, हम सब निकल रहे हैं, होटल में ही मिलेंगे, बाय। इतना बोलकर प्रीति चली जाती है। थोड़ी देर बाद स्वाति और प्रतीक भी तैयार हो जाते हैं और पिकनिक के लिए निकल जाते हैं, लेकिन उस होटल में उन्हें घर का कोई भी सदस्य नहीं मिलता। दो दिन बाद जब दोनों घर आते हैं तो प्रतीक कहता है, प्रीति, हमें पिकनिक पर अकेले भेजने का प्लान तुम्हारा ही था ना, तुमने ही झूठ बोला ना। जी, मैं तो बस आप दोनों को एक करना चाहती थी, इसलिए मैंने झूठ बोला। अच्छा, और तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे झूठ से हम दोनों एक हो जाएंगे? मैंने तो कोशिश की थी। और तुम्हारी कोशिश सफल रही। आज तुम्हारी वजह से हम दोनों को असल पति पत्नी होने के मायने पता चले हैं। हाँ, तुम जो अब तक कोशिश कर रही थी ना, वो कामयाब हो गई। अगर ऐसा है तो मेरी एक कोशिश और कामयाब हो। और वो क्या? आप दोनों की शादी भले ही मुझसे पहले हो चुकी है, लेकिन आप दोनों की शादी असल में अब होगी। प्रीति की बात से पूरा घर सहमत हो जाता है। प्रीति की इतनी कोशिशें आखिरकार रंग लाती है और कुछ ही दिनों बाद प्रतीक और स्वाति एक बार फिर से शादी के बंधन में बंधते हैं।